ये 6 मार्क्स क्वेश्चन हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेस थ्योरम के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम पे बेस्ड है। बेस थ्योरम के क्वेश्चन हमें कई बार 6 मार्क्स 6 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन भी दूंगा बेस थ्योरम का। क्वेश्चन में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको बोला इन अ बल्ब फैक्ट्री मशीन्स ए बी सी मैन्युफैक्चर्स 60%, 30% एंड 10% बल्ब रिस्पेक्टिवली। 1%, 2%, 3% ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली बाय ए बी एंड सी बाय मशीन्स ए बी एंड सी आर डिफेक्टिव। अ बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब वॉज प्रोड्यूस्ड इन मशीन ए। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। मुझे इसमें डेटा कॉपी करना है और सबसे पहले तो देखो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक प्रोडक्शन की 3 मशीनें हैं ए बी और सी और वो इतना 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 प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात मुझे बताई है कि इन तीनों में इतना इतना परसेंट डिफेक्टिव मिलता है। तो बेसिकली मेरे पास एक तो प्रोडक्शन है और दूसरा डिफेक्ट है। टोटल प्रोडक्शन मेरे पास 3 मशीन्स हैं ए बी और सी, इनका प्रोडक्शन है तो ए का प्रोडक्शन है हमारे पास 60%, बी का है 30%, सी का है 10%। उसके बाद नेक्स्ट है डिफेक्ट। तो ए में हमको मिलता है 1% डिफेक्ट, बी में मिलता है 2%, सी में मिलता है 3%। ये टेबल मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, प्रोडक्शन और डिफेक्ट। अब हम यहाँ पे ए में प्रोड्यूस हुआ, बी में प्रोड्यूस हुआ या सी में प्रोड्यूस हुआ, इसको हम इवेंट्स डिफाइन करेंगे। लेट ई वन बी द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन मशीन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, वो बल्ब जो है मशीन ए में प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60%, यानी कि 60/100। इसी तरीके से मैं लेट ई टू बी द चांस दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड इन मशीन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू हमारा हो जाएगा 30/100। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री, दैट इज आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। ई वन बी द बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन ए, ई टू मैन्युफैक्चर्ड इन बी, ई थ्री मैन्युफैक्चर्ड इन सी, ये सारा स्टेटमेंट लिखना होगा। मैं सिर्फ सॉल्व करके इसको सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ। तो ई थ्री हमने लिख लिया 10/100। अब इसके बाद हम यहाँ पे कोई एक इवेंट डिफाइन करते हैं। अब मुझे डिफेक्टिव चाहिए। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं डी वन डी टू डी थ्री, डिफेक्ट इन ए, डिफेक्ट इन बी, डिफेक्ट इन सी, वो करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ डिफाइन कर दिया डी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ डिफेक्टिव मुझे ए में भी मिल सकता है, बी में भी मिल सकता है, सी में भी मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन मशीन ए, ए मशीन के लिए हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ईवन। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट इन मशीन ए, यानी डिफेक्ट इन ए मशीन ए अपॉन डी अपॉन ईवन, इसको मैं लिखूंगा ए में डिफेक्ट के चांस है 1%। इसी तरीके से डिफेक्ट इन मशीन टू 2% एंड डिफेक्ट इन मशीन 3 इज 3%। ये तो हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज प्रोड्यूस्ड इन मशीन ए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैंने एक रैंडमली बल्ब निकाला और वो मुझे डिफेक्टिव मिल चुका है।
अब मुझे चांसेस निकालने की वो मशीन ए का प्रोडक्शन हो। अब देखिए जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कैसे करूँगा। आपको बोला है कि द बल्ब, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, द बल्ब अ बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। मतलब जो इवेंट हो चुका है हम उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, तो डी को मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब मुझे मिल चुका है। मुझे चांसेस निकालने हैं कि वो मशीन ए में प्रोड्यूस हुआ हो। मशीन ए के लिए ईवन है, दैट मीन्स मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन स्लैश डी निकालना है। अब ईवन स्लैश डी निकालना है, बेस थ्योरम एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, ये जो भी चीज़ मुझे दी है ना, मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। मतलब मैं इसको लिख दूंगा, ईवन स्लैश डी है तो मैं लिख दूंगा डी स्लैश ईवन इनटू, इसके नीचे क्या है, ईवन, मैं इसी ईवन से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन। मुझे इसी चीज को एज इट इज लिखना है, डी स्लैश ईवन एंड ईवन। अब क्या क्या बच गया, देखिए ईवन तो हो गया, ई टू बचा और ई थ्री बचा, तो मैं ये भी लिखूंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी स्लैश ई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वेन ई थ्री एंड ई थ्री, ये हमने लिख लिया। अब मुझे इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो डी वेन इवन मुझे कितना मिला है, 1/100। मैं इसको लिख लूंगा 1/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन के चांसेस 60/100 अपॉन, मैं इसी चीज को यहां पे लिख देता हूं। नेक्स्ट मुझे ई टू और डी वेन ई टू चाहिए, डी वेन ई टू इज 2/100 एंड ई टू इज 30/100। इसके बाद डी वेन ई थ्री 3/100 एंड ई थ्री विच इज 10/100, ये हमें मिल गया। अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने की भी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक ये है कि जैसे जब भी ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी हम इसको लंबा कर देते हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ये 0-0 कैंसिल हो रहा है, 0-0 कैंसिल हो रहा है, फिर 2 50s 100, ये काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। उसका रीज़न ये है, न्यूमरेटर मुझे मिल गया 61s 60 अपॉन 100 × 100, डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 100 × 100 100 × 100 100 × 100, तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, विच मीन्स मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ 60 × 1 60 मिल गया, 2 × 30 अगेन 60 मिल गया, 3 × 10 30 मिल गया। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बात है, ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गए, मेरा काम बहुत आसान हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता, सिंप्लीफाई करता, क्वाइट पॉसिबल मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुश्किल आ जाती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता कैलकुलेशन, तो कंपेयर टू दिस। तो ये हो गया 6 × 2 = 12 150, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो प्रॉबलिटी हमें मिल गया 2/5, दिस इज माई आंसर। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। आपको बोला है कि कंपनी हैज़ टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल, 70% मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट प्लांट वाइल 30% ऑफ आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट। एट द फर्स्ट प्लांट 80% मोटरसाइकिल आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट सेकेंड प्लांट 90% ऑफ द मोटरसाइकिल्स आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी। अ मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड फाउंड टू बी
of standard quality. Find the probability that it was manufactured in second plant. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उनकी क्वालिटी को हम देख रहे हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, E1 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट प्लांट एंड E2 मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट. ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, हमें देखना है, अ कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल, 70% मोटरसाइकिल आर मैन्युफैक्चर्ड इन फर्स्ट प्लांट. तो ये हो जाएगा 70%, यानी कि 70/100. फिर E2 while 30% are manufactured in second plant. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ और उसका डेटा मैं कॉपी कर चुका हूँ. ये हो गया. इसके बाद दूसरी चीज़ है स्टैंडर्ड क्वालिटी. अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ये कॉमन है दोनों के लिए, इसमें भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के मोटरसाइकिल बनते हैं, इसमें भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के मोटरसाइकिल बनते हैं. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ए द मोटरसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. अब स्टैंडर्ड क्वालिटी तो दोनों में बनते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे. मैं ऊपर से यहाँ तक तो पढ़ चुका हूँ, ये डेटा कॉपी कर चुका हूँ, तो इसको मैं रब कर सकता हूँ. अब देखिए, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट प्लांट को हमने E1 डिफाइन किया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम फर्स्ट प्लांट. अब फर्स्ट प्लांट में स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 80%, यानी कि 80/100. सो दिस पार्ट इज डन, इसको हम रब कर देते हैं. इसके आगे बोला है सेकेंड प्लांट 90% मोटरसाइकिल आर रेटेड एज स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब ए, क्योंकि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ स्टैंडर्ड क्वालिटी को ए. सेकेंड प्लांट यानी कि E2, क्योंकि मैंने E2 डिफाइन किया हुआ है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर फ्रॉम सेकेंड प्लांट. तो सेकेंड प्लांट से स्टैंडर्ड क्वालिटी के मोटरसाइकिल 90%, यानी कि 90/100. ये हो गया. अब इसके आगे हमें बोला है कि मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट. मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये लास्ट की जो दो तीन लाइंस हैं इसको ध्यान से पढ़नी होती है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बेस थ्योरम में कन्फ्यूजन होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें. तो यहाँ पे देखिए लास्ट की लाइन बोल रही है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसको ध्यान से समझते हैं, दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट. मुझे सेकेंड प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड प्लांट. सेकेंड प्लांट को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, E2. तो मैं E2 लिख लूंगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड प्लांट. अच्छा, इसके जस्ट पहले वाली लाइन में पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या इवेंट हो चुका है. अ मोटरसाइकिल इज पिक्ड अप एंड रैंडम इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब मुझे स्टैंडर्ड क्वालिटी का मोटरसाइकिल मिला, अब मुझे चांसेस निकालने हैं कि वो सेकेंड प्लांट में मैन्युफैक्चर किया गया हो. अब इसके आगे मुझे क्या करना है, सिर्फ बेस थ्योरम लगाना है. बेस थ्योरम एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, अभी हम फिर से समझेंगे उस चीज़ को, वो ये कि हमें ये जो भी चीज़ निकालनी है इसको आप फ्लिप करो. E2/A है तो मैं इसको P A/E2 लिखूंगा, पहला काम.
इतना लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें जो भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ पे ई टू, मैं उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। अब नीचे मुझे क्या करना है, जितने भी इवेंट्स हैं इस इवेंट को लिखना है और इसके आगे पीछे जो भी इवेंट है, देखो ई टू के अलावा मेरे को ई वन है, यहाँ मेरे पास यहाँ पे ई वन है, तो मैं ई वन और ई टू ये दो चीज़ें लिखूँगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ। प्लस ई टू के अलावा ई वन है, ई थ्री है नहीं तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख लूँगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए वेन ई वन एंड ई वन। अब मुझे डेटा सब इसमें डालना है, वैल्यूज डालनी है। ए ए वेन ई टू इज 90/100, ई टू इज यहाँ पे हम देख लेते हैं 30/100 अपॉन ए वेन ई टू एन ई टू। मैं इसी चीज को एज इट इज कॉपी कर लूंगा, प्लस ए वन ई वन 80/100 फिर ई वन चाहिए, ई वन हमें कितना मिला था 70/100। सॉल्व कर लेते हैं, मैंने अभी बताया था परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जीरो जीरो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे तो देखो हालांकि कैंसिल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सपोज यहाँ अगर 50 दिया होता तो फिर बड़ा गड़बड़ होता है, इसलिए इट्स बेटर मैं इसको लिख लेता हूँ 90। देखिए आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो, 90 × 30 लिखूँगा मैं अपॉन 90 × 30 लिखूँगा प्लस 80 × 70 लिखूँगा, प्रोवाइडेड ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो। अब मुझे क्या करना है, 93 is 27, ये हो गया 27, 56 ये हमें मिल जाएगा इक्वल्स टू 2700 अपॉन 34, प्रॉबिलिटी हमें कितनी मिल गई 27/83। इसके आगे सिर्फ स्टेट में लिखना है, देयर फोर द प्रॉबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंड प्लांट इज 27/83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आपको बोला मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चंस में ई वन ई टू ये सारे डिफाइन तो हम फिर भी कर पाए थे, यहाँ पे कईयों को प्रॉब्लम होती है कि मैं यहाँ पे इवेंट ई वन ई टू कैसे डिफाइन करूँगा। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन में ना आपको लास्ट स्टेटमेंट देखनी है, फाइंड द प्रॉबिलिटी, किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो इवेंट ई वन ई टू में ये 6 वाले केसेस आएंगे। अब देखो फेक किस को रहा है, वो डाई को, मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाई को फेंका। अब यहाँ पे मैं ई वन इवेंट डिफाइन करूंगा गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई, ये मैंने कैसे जज किया इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेटमेंट जहाँ पे आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको मैं E1 और E2 डिफाइन कर, E1, E2, E3 व्हाटएवर डिफाइन करूँगा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है दैट इट इज़ एक्चुअली 6। तो मुझे 6 मिलने के चांस को E1 ले लिया, तो देखिए दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो मुझे 6 मिलेगा या तो 6 नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे E2 क्या डिफाइन करूँगा, नॉट गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई। तो मैंने क्वेश्चन में ही जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके बेसिस पे मैंने डिफाइन किया E1 E2। अच्छा दूसरी चीज यहाँ पे एक काम और हो रहा है, अ मैन इज रिपोर्टिंग है ना, तो हम यहाँ पे इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं
man reports that it is a 6 on a die, है ना? मैंने रिपोर्ट किया कि वो डाई में क्या मिला, 6 मिला. तो ये हो गया. अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करेंगे. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1. पहला इवेंट है मेरे पास गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई. एक डाई में 6 मिलने के चांस कितने होंगे? ऑब्वियसली 1 out of 6. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. E2 का मतलब है नॉट गेटिंग अ 6. तो मैं सिंपल 1 - 1/6 कर सकता हूँ, क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये. तो ये हो जाएगा 1 - 1/6 विच इज़ 5/6, या फिर हम लॉजिकली भी बोल सकते हैं 5 चांसेस हैं कि मुझे 6 नहीं मिलेगा. ये हो गया. इसके बाद अब रिपोर्टिंग की बात आती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन, मतलब आदमी ने रिपोर्ट किया 6 और इवन क्या है, 6 मिला. ठीक है, मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 और मुझे क्या मिला है, 6 मिला है. मतलब देखिए, मुझे 6 मिला है और आदमी ने बोला कि 6 है, तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? भाई 6 मिला है और बोल भी रहा है कि 6 है, तो सच बोल रहा है. अब आदमी के सच बोलने के चांस कितने हैं? 3 out of 4. तो मैं इसको लिख लूँगा 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2, मतलब 6 नहीं मिला है लेकिन आदमी ने बोला कि 6 है. तो अगर सच बोलने के चांस 3/4 है, तो यहाँ पे देखिए 6 नहीं मिला लेकिन 6 बोल रहा है, दैट मीन्स झूठ बोल रहा है. सच बोलने के चांस 3/4, तो झूठ बोलने के चांस 1 - 3/4 विच इज 1/4. ये हो गया. अब मुझे क्या निकालना है? ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. अब मुझे चांसेस किसके निकालने हैं कि वो एक्चुअली में 6 हो. एक्चुअली में 6 हो मतलब इवेंट इवन निकालना है. E1 क्या है? एक्चुअली में 6 मिला, और E2 है कि 6 नहीं मिला. तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक्चुअली में 6 है यानी E1 है, जब आदमी ने रिपोर्ट किया कि वो 6 है. मैन रिपोर्ट, ये इवेंट हो चुका है, आदमी बोल चुका है कि 6 मिला है. मुझे अब चांसेस निकालने कि वो एक्चुअली में 6 हो, मतलब E1 एक्चुअली में 6 हो. बेस थ्योरम कहता है यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको मैं उल्टा कर दूंगा, मतलब मैं ए व्हेन इवन करूंगा और इस डिनोमिनेटर से मैं E1 मल्टीप्लाई कर दूंगा. नीचे इसको एज इट इज उतार देता हूँ. अब मुझे देखना है कि E1 के अलावा और भी कोई इवेंट्स हैं यहाँ पे. यस, मेरे पास E2 इवेंट भी है, तो मैं वो भी मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐड करूँगा. ए व्हेन E2 एंड E2. क्या E3 है हमारे पास? नहीं है. तो अब मुझे इन इवेंट्स की वैल्यूज़ को डालनी है और मुझे आंसर निकालना है. तो मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ. ए व्हेन E1, मुझे ए व्हेन E1 कितना मिला? 3/4 मिला था. E1 के चांसेस 1/6 हैं. E1 3/4, 1/6. E2 कितना मिला मुझे? 1/4. और E2 मुझे मिला था 5/6. अब मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करूंगा. 4 and 6 4 and 6 4 and 6, तो LCM सेम मिलेगा. मैं सीधे सीधे इसको लिख सकता हूँ 3 1 3 upon 3 1 3 and 5 1 5. तो ये हो गया 3/8. Therefore, the probability that it is actually 6 is 3/8. ये मुझे स्टेटमेंट लिखना होगा एंड दैट इज माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया था, बस वैल्यूज चेंज है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है. जैसे आपको बोला मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5 times, वहाँ पे 3 out of 4 था, यहाँ पे 3 out of 5 है. ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4. पीछे क्या था? इट इज 6. वहां पे डिफाइन किया हुआ था कि वो एक नंबर एग्जैक्टली 6 है.
लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब पीछे जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो मैं इसको अपना इवन इवेंट डिफाइन करूँगा, यानी कि इवन क्या हो गया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन अ डाई। Event of getting event of not getting a number greater than 4। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, यहाँ पे इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 बोला है, मतलब मैं 4 को इंक्लूड नहीं करूँगा। 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है डाइस में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक डाई को अगर मैं रोल करता हूँ, ये 6 नंबर्स मुझे मिल सकते हैं। अब नंबर ग्रेटर देन 4 दैट मीन्स 5 एंड 6। अगर मैं बोलता हूँ E2 नंबर लेस देन 4, फिर तो ये आ गया, ये 4 तो बच गया ना, तो इसीलिए हम बोल यहाँ पे नॉट लगाएंगे, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, जैसे पीछे भी हमने यही किया था। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने रिपोर्ट किया है ना, तो हम इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं, इवेंट ऑफ मैन रिपोर्टिंग दैट द नंबर ऑन द डाई इज ग्रेटर देन 4। ये चीज़ें हो गई। अब मैं इन इवेंट्स के अकॉर्डिंग निकालते जाऊंगा वैल्यूज। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 मुझे चाहिए। अभी हमने समझा था इसका सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब 5 एंड 6, दो पॉसिबिलिटीज़ है आउट ऑफ 6, विच इज़ नथिंग बट 1 आउट ऑफ 3। अब E2 का मतलब है नॉट गेटिंग, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है नॉट गेटिंग। या तो मैं यहाँ पे इन 4/6 करूँ, या तो फिर इसी को 1 से माइनस कर दूँ, तो ज़्यादा अच्छा है मैं 1 से माइनस कर दूँ एंड आई एम गेटिंग 2 आउट ऑफ 3। ये हो गया आपका चांसेस कि मुझे 4 से बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट, द मैन इज़ रिपोर्टिंग द नंबर इज़ ग्रेटर देन 4। तो अब देखिए मैन तो दोनों केसेस में रिपोर्ट कर सकता है, E1 में भी और E2 में भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1, मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 मिला और आदमी ने बोला कि इट इज़ ग्रेटर देन 4, सच बोल रहा है। अब सच बोलने के चांस कितने हैं, 3 आउट ऑफ 5, मतलब 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2, मतलब मुझे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं मिला लेकिन उसने बोला कि नंबर ग्रेटर देन 4 है, मतलब झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने के चांस इसी 3/5 को हम 1 से माइनस करेंगे, दैट इज 2/5। ये इवेंट्स हमने निकाल ली। नेक्स्ट, आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ नंबर ग्रेटर देन 4। एक्चुअली नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब ग्रेटर देन 4 इवेंट ई है, तो मैं E1 इसके चांसेस निकालना चाहता हूँ कि वो नंबर एक्चुअली में 4 से बड़ा है जब
आदमी रिपोर्ट कर चुका है, मतलब ए इज रिपोर्टिंग, ए क्या है रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग कर चुका है और एक्चुअली में मुझे नंबर ग्रेटर देन 4। बेस थ्योरम कहता है इसी चीज को मैं उल्टा कर दूंगा, दिस इज वन, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेन ई वन इन टू ई वन, इसके अलावा इवेंट बच गया ई टू, तो मैं लिख लूंगा ए वेन ई टू एन ई टू। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए अपॉन ई वन मुझे कितना मिला था 3/5, ई वन मुझे कितना मिला था 1/3, ये 3/5 और 1/3 था, ए ई टू कितना मिला मुझे 2/5, और ई टू मुझे कितना मिला 2/3। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ना सबके डिनोमिनेटर्स देख जरूर लेना, कई बार क्या है ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 5 3 5 3 5 3 सारे मैच कर रहे हैं, जब सारे मैच करते हैं तभी मैं ये टेक्निक लगाऊंगा, 3 1 3 अपॉन 3 1 3, न्यूमरेटर्स बस लिखूंगा एंड 2 2 4, तो ये हो गया आपका 3/7। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 3/7, ये हमारा आंसर है।